आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। एक बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। मनरेगा पर संसद में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा में 13,000 करोड़ की अनियमितता हुई, बिना काम किए ही पैसों को आवंटन उसका किया गया और नियमों में ढील देकर इस योजना के लिए पैसों का आवंटन किया गया। 2010 और 2011 में 252 करोड़ के निर्माण कार्य की योजना शुरू की गई थी, जो कि अधिकृत थी ही नहीं। 23 राज्यों में लोगों को काम करने के बाद भी या तो भुगतान नहीं किया गया या फिर बहुत देर से उन्हें पैसे मिले, यानी कि 13,000 करोड़ की अनियमितता का आकलन किया है सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट जो कि आज संसद में पेश की गई है। राकेश सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एक और बड़ा खुलासा सीएजी का जो अनुमान है उसके हिसाब से 13,000 करोड़ की अनियमितता हुई है। के परीक्षण है उसमें निमित्ता है की बातें सामने आई हैं और खास तौर पर जॉब कार्ड से लेकर जो निधि जारी किया जाता है, जो धन जारी किया जाता है, उसका डाइवर्सन भी हुआ है कई अन्य मदों में। और साथ ही साथ जॉब कार्ड दिए जाने के बावजूद जो है लाभार्थी को पैसा नहीं दिया जाना, कई तरह के सवालों के घेरे में है। जो यूपीए सरकार का फ्लैगशिप स्कीम है मनरेगा, जैसा कि ताने जानती है, तो कहीं कहीं एक सवालों के घेरे में लगातार यूपीए सरकार और कई अहम मुद्दों को लेकर जहां यूपीए सरकार परेशान है, ऐसे में मनरेगा के मामले पर सीएजी की रिपोर्ट है यूपीए सरकार की परेशानी और बढ़ाएगी। बिल्कुल, और अगर सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिना काम किए ही पैसों का आवंटन हुआ, कुल मिलाकर 13,000 करोड़ की अनियमितता सीएजी को अपने जांच में मिली है अगर, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यूपीए सरकार के लिए है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से मनरेगा को लेकर पहले से भी खबरें आती रही हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके जो धन जारी किया जा रहा है उसका डाइवर्सन हो रहा है, लेकिन अब सीएजी ने इस पर मुहर लगा दी है और सीएजी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मनरेगा का जिस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग होना चाहिए धन का, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो लाभार्थियों को पैसा मिलना चाहिए उनको नहीं दिया जा रहा है। ये कई सवाल हैं जिसकी परेशानी अब बढ़ाएगी यूपीए सरकार को। बिल्कुल, अगर मनरेगा स्कीम की बात की जाए राकेश, मनरेगा स्कीम को लेकर कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है और कहती है कि हमने ये स्कीम लागू की, हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, अगर इसी में इतने बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है, ये 13,000 करोड़ आखिर कहाँ है, किसकी जेब में गए, कहाँ इनका उपयोग किया गया इन पैसों का, अगर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक तो धक्का है यूपीए सरकार के लिए और अब उन्हें इस पे भी जवाब देना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं आप परेशानी बढ़ेगी यूपीए सरकार की। यूपीए सरकार पहले से ही काफी दबाव में है, विपक्ष के सर्कस में सरकार को घेरने के लिए कई तीर हैं, लेकिन अब नया तीर जो है कहीं ना कहीं सीएजी की रिपोर्ट है मनरेगा पर, वो सवाल